हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं आज के मैथ की ओर। आज का प्रश्न है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर 2 to the power 2x इंटू 3 to the power -3 इंटू 2 to the power x + 2 +32 = 0। ये CBSE 2011 में आया हुआ है। तो चलिए इसको जानते हैं कैसे सॉल्व होगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन एज 2 to the power 2x - 3 into 2 to the power x + 2 + 32 = 0। (2 to the power x² - 3 into 2 to the power x into 2 to the power 2 + 32 = 0। नाउ लेट 2 to the power x बी y, then y² - 12y + 32 = 0। इतना हो गया। यहाँ हम लिख देते हैं बाई पावर फैक्टर एप्लीकेशन, बाय पावर फैक्टर एप्लीकेशन। अब आप देखिए कि ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टर प्रोसेस से सॉल्व करना है तो कैसे होगा। तो फैक्टर प्रोसेस में होता है कि इसका कोफिशियंट 1 है, यानी y² + 32 = 32y² और 32y² = आपको 8y * 4y और 12y = 8y + 4y। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, यानी हमें 12 भी मिल गया और 32y² का फैक्टर भी मिल गया, और ये फैक्टर इस एडिशन से मिलता जुलता है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दिस टेंड्स टू (y²-8y - 4y + 32 = 0). दिस टेंड्स टू, हियर इज y कॉमन, (y-8-4) कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा (y-8) = 0। चूँकि यहाँ माइनस है आप देख रहे हैं, और माइनस हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बीच का साइन प्लस जो है वो भी माइनस हो गया। इस प्रकार से दिस टेंड्स टू (y-4)
एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो गया वाई माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। दिस टेंस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो और दूसरा फैक्टर हो गया वाई माइनस एट बराबर जीरो। इस प्रकार से ये आपका हो गया वाई बराबर फोर और ये हो गया वाई बराबर एट। पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन टू द पावर एक्स बराबर वाई और इधर भी हो गया टू द पेप्स बराबर वाई। यहाँ हो गया टू द पावर एक्स बराबर फोर और इधर हो गया टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एट। दिस टेंस टू द पावर एक्स बराबर टू द पावर टू और इधर हो गया टू द पावर एक्स बराबर टू द पावर थ्री। दिस टेंस टू एक्स बराबर टू और इधर हो गया एक्स बराबर थ्री। हेंस एक्स बराबर टू एंड थ्री और ये ही हमारा आंसर हो। ये वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलेंगे तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।